पंजाब कैबिनेट की लुधियाना दे विच चल रही बैठक जी खत्म हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल बाहर आ रहे हैं, गलबात कर रहे हैं। धालीवाल साहब, लोगों के विच सरकार विच रह करूगी, पहला तो पिंड जा ही रहे थे लेकिन हुण कैबिनेट भी फिर उस इलाके दे लोकां दी जिहड़ी मुश्किल खुला दरबार लगा करू, सारे मंत्री दे अफसर नाल होया करूंगे। कोई खेतीबाड़ी लिया मेरे को आऊगा, कोई माल महकमा जिम भाजी को आऊगा, एजुकेशन लिया हरजोत बैंस जी को आऊगा, समझ कि लिया। हाँ, इस करके बहुत बढ़िया अज डिसीजन किया वा साहब। एक मजदूरों नू राहत देने का काम जरूर सरकार करती नजर आई है। जो फर्स्ट मई आ रही है, पूरी दुनिया के अंदर मई डे जो बहुत मनाया जाता, सो मजदूरों के लिए भी अब खेत मजदूरों लिए मान साहब ने जो मुआवजा 10% किया खेत मजदूरी करते एक परंपरा चल गई करके सरपंच को मतलब कार्ड वगैरह बना लांगे पिंड की ग्राम सभा जो बन गए बंदा काम करता है। ਸਟਾਫ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਲ 15 ਮਈ ਤੱਕ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਇਨਪੁਟ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। बिल्कुल, देखो सीधे तौर पर कुलदीप सिंह धालीवाल जिहड़े ने स्पष्ट लफ्ज़ां दे विच कहिंदे होए नजर आए ने कि स्टैंप ड्यूटी का फैसला जिहड़ा उह एक्सटेंड होगा। इस तो इलावा खेत मजदूर जिहड़े ने उन्हां नूं सरकार राहत देने का काम कर रही है, और जेलां दे विच जिहड़ी इनपुट आ रही है स्पष्ट लफ्ज़ां दे विच कह रहे हैं कि सरकार की तरफों पुलिस प्रशासन की तरफों इस तरह के इंतजाम किए हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई गैंगवार नहीं होएगी और जो भी दोषी होएगा उसको फड़िया जाएगा। इस तरह की जानकारी जी कुलदीप सिंह धालीवाल ने दी है। पंजाब कैबिनेट की लुधियाना दे विच चल रही बैठक जी खत्म हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल बाहर आ रहे हैं, गलबात कर रहे हैं। धालीवाल साहब, लोगों के विच सरकार विच रह करूगी, पहला तो पिंड जा ही रहे थे लेकिन हुण कैबिनेट भी फिर उस इलाके दे लोकां दी जिहड़ी मुश्किल खुला दरबार लगा करू, सारे मंत्रियां दे अफसर नाल होया करूंगे। कोई खेतीबाड़ी लिया मेरे को आऊगा, कोई माल महकमा जिम भाजी को आऊगा, एजुकेशन लिया हरजोत बैंस जी को आऊगा, समझ कि लिया। हाँ, इस करके बहुत बढ़िया अज डिसीजन किया वा साहब। एक मजदूरों नू राहत देने का काम जरूर सरकार करती नजर आई है। जिहड़ा फर्स्ट मई आ रही है, पूरी दुनिया के अंदर मई डे जिहड़ा बहुत मनाया जाता, सो मजदूरों के लिए भी अज खेत मजदूरों लिए मान साहब ने जिहड़ा मुआवजा 10% किया खेत मजदूरी करते एक परंपरा चल गई करके सरपंच को मतलब कार्ड वगैरह बना लांगे पिंड की ग्राम सभा जो बन गए बंदा काम करता है। स्टैंप ड्यूटी दे विच राहत दित्ती हुई है पिछले 2 महीनों तो, कहा जा रहा है वो फैसला अगे एक्सटेंड होएगा अज्ज, मतलब 15 मई तक 15 मई तक। सर, एक होर सवाल, इनपुट आया कि जेलां दे विच फिर तो गैंगवार हो सकती है, कैदी जिहड़े ने जिहड़े वक्त-वक्त गैंगस्टरां नाल ताल्लुक रखदे ने उह लड़ सकदे ने उस नूं लै के? यकीन रखो सर, कोई गैंगवार नहीं होदांगे पंजाब 'च, भावें जो मर्जी होवे। बिल्कुल, देखो सीधे तौर पर कुलदीप सिंह धालीवाल जिहड़े ने स्पष्ट लफ्ज़ां दे विच कहिंदे होए नजर आए ने कि स्टैंप ड्यूटी का फैसला जिहड़ा उह एक्सटेंड होगा। इस तो इलावा खेत मजदूर जिहड़े ने उन्हां नूं सरकार राहत देने का काम कर रही है, और जेलां दे विच जिहड़ी इनपुट आ रही है स्पष्ट लफ्ज़ां दे विच कह रहे हैं कि सरकार की तरफों पुलिस प्रशासन की तरफों इस तरह के इंतजाम किए हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई गैंगवार नहीं होएगी और जो भी दोषी होएगा उसको फड़िया जाएगा। इस तरह की जानकारी जिहड़ी कुलदीप सिंह धालीवाल ने दी है।